नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर बेमेतरा से आपको बता रहे हैं, जहां फैक्ट्री ब्लास्ट में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। ब्लास्ट के साथ भूकंप जैसा एहसास हुआ है, धमाके के साथ धर्राई है धरती, कांप उठा सीसीटीवी कैमरा। आप देख सकते हैं जिस समय ब्लास्ट हुआ तो कैसे धरती कांप उठी थी, और कैमरा जो वहां पर लगा हुआ था उसमें भी ये कंपन रिकॉर्ड हो गई थी। सब कुछ आम था, सामान्य था, अचानक से ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट के साथ ही भूकंप में जैसे धरती हिलती है वैसे ही कंपन हुई, धरती हिली और उसके बाद देखिए धुएं का गुबार उठता हुआ आप दूर से देख पा रहे हैं। ये देखिए सब कुछ सामान्य और उसके बाद जैसे ही ब्लास्ट होता है धरती हिलने लगती है, कंपन महसूस हुई और कंपन सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हुई है। थर्रा गई थी धरती, कांप उठा था कैमरा और ये धुएं का गुबार सामने से उठता हुआ आप देख सकते हैं। कितना दूर ब्लास्ट हुआ था लेकिन उसके बावजूद दूर तक ये कंपन महसूस की गई। युगल तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। युगल, ये फुटेज बता रही कि कितना बड़ा ये ब्लास्ट रहा था। देखिए अपना, जिस तरह से यहाँ पर ब्लास्ट हुआ, स्थिति ये थी कि 10 जो रेडियंस है उसमें हालात ये थे कि पूरी धरती है वो कांप गई, हजारों टन बारूद है वो वहां पर रखा हुआ था और जिस तरह से वहाँ स्थिति थी, आसपास के लोग पूरी तरह से सदमे में आ गए थे, दहशत का आलम था। और ये बताया जा रहा है कि 25 लोगों की शिफ्ट वहाँ पर लगती थी, 7 लोग अस्पताल ले जाया गया जिसमें एक की मौत हो चुकी है। शेष अभी जो जितने कामगार थे, जितने कर्मचारी थे उनकी तलाश है, वो की जा रही है। तो ये जिस तरह से ऑपरेटर की वहां पर अभी मौत हुई है ये बताई जा रही है। आसपास के जो लोग वहां पर काम करते हैं उनके परिजन उनकी तलाश करने वहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन कंपनी प्रबंधन की असंवेदनशीलता इस बात से उजागर हो जाती है कि वहां पर कर्मचारियों के जो रिश्तेदार हैं उन्हें जानकारी देने तक के लिए वहां पर मौजूद नहीं है। ना उनका पीआर डिपार्टमेंट दिख रहा है, ना एचआर डिपार्टमेंट वहां पर है। कुल मिलाकर यह है कि पूरा ब्लास्ट में जो पिरदा गांव है ही नहीं बल्कि आसपास के 10 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो दहल उठा, बावजूद इसके जवाब देने के लिए वहां कोई भी नहीं है। अब परिजन खुद ही वहां पर तलाश कर रहे हैं जहां पर ग्राउंड जीरो है। मतलब युगल आप ये कह रहे हैं कि जाएं तो जाएं कहां, घर वालों का पता नहीं और जो ढूंढने भी आ रहे हैं वो कहां किस दिशा में ढूंढे, किससे पता करें, सवाल जवाब किससे करें, इसका भी कोई पता नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए कमोबेश यही हालात हैं, जो कई लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। किसी का बेटा तो किसी के पति वहां पर काम करने गए हुए थे, परिजन अभी भी खोज रहे हैं। दरअसल ब्लास्ट के जो तस्वीर है बिल्कुल दिल को दहला देने वाले थी। जो सीलिंग फैन लगा हुआ था वो नीचे आ गिरा, जो लाइटें लगी हुई थी मर्क्यूरी लाइट थी वो नीचे आ गिरा है, और इतना ही नहीं लगभग 150-200 किलो के जो केमिकल टैंक थे वो 400-500 मीटर दूर जाकर के गिरे हैं। यहाँ तक के हाईटेंशन टावर में बीम है, जो मकान का जो बीम होता है वो लटका हुआ है, इस बात से ब्लास्ट का अंदाजा लगाया जा सकता है। इतनी बड़ी लापरवाही आखिर जो कंपनी प्रबंधन है वो भला कैसे कर सकती है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक सप्ताह पहले ही फैक्ट्री को कुछ दिन के लिए बंद किया गया था, अचानक कैसे चालू हो गया जो कर्मचारी है वो बता रहे हैं। इससे पहले भी ब्लास्ट की घटना होती रही है, और सबसे खास बात यही है कि जो सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं उसका कहीं भी पालन नहीं किया गया है। इतनी मात्रा में बारूद का भंडारण किया गया वो भी वहां जहां पर बारूद टेस्ट किया जाता है, तो हो सकता है जब बारूद टेस्टिंग के लिए ब्लास्ट किया गया हो तो उसकी जो लौ है वो ब्लास्ट छिटकी होंगे, उसके बाद बारूद के भंडारण में आग लगा होगा और एक तरह से सीधा ब्लास्ट हुआ है। काफी केमिकल है वहां पर, अभी भी ब्लास्ट का खतरा बना हुआ है, इसीलिए जो ग्राउंड जीरो है उसे सील कर दिया गया है। लेकिन लापरवाही, बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आई है, कई लोगों की जान गई है। देखना होगा कि कब मलबे को हटाया जाता है। दूर दूर तक
जो शव हैं वो छत बिछत पड़े हुए हैं, तो ऐसे में शिनाख्त कैसे होगी। सबसे बड़ी बात है इतना बड़ा ब्लास्ट है कि पूरा के पूरा जो स्टोर एरिया है वो उसके परखच्चे उड़ गए हैं, तो ऐसे में वो रजिस्टर कैसे मिलेगा। और कुछ रजिस्टर हमारे हाथ भी लगे हैं जिसकी तस्वीर हमने दिखाई है न्यूज 18 से खास, तो उसमें 18 लोग का जो जाना दिख रहा है। सवाल ये है कि उस 18 लोग में ब्लास्ट एरिया में कितने लोग थे, अगर जो बाहर गए होंगे वही बचे होंगे, अन्यथा ये तय है कि बहुत सारे लोगों की जो कैजुअल्टी है वो हुई है। जी अपना बिल्कुल युगल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस तरह की दुर्घटनाएं होती ही क्यों हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और जब दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो उसके बाद जो व्यवस्था बनाई जानी चाहिए वो क्यों नहीं बन पाती है। बहुत शुक्रिया युगल आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं अब बात करते हैं सीधी की, जहां SIT करेगी दुष्कर्म केस की जांच। CM के निर्देश पर 9 सदस्यीय SIT टीम बना दी गई है, महिला DSP को कमान दी गई है, 7 दिन में रिपोर्ट देनी होगी। 7 छात्राओं से दुष्कर्म हुआ है, 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए, आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। आदिवासी लड़कियों को आरोपी निशाना बनाते थे, फोन पर लड़की की आवाज में बात करते थे, फिर मिलने के बहाने बुलाते और जब लड़की मिलने पहुंच जाती तो उनके साथ हैवानियत करते। तो सीधी की इस घटना को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी पोस्ट किया है और MP सरकार पर निशाना साधा है, मुख्यमंत्री को भी टैग किया है। और क्या लिखा है उस पोस्ट में वो टीवी स्क्रीन पर जल्दी आपको पोस्ट नजर आएगा। और बता दें जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर CM डॉक्टर मोहन यादव को टैग करते हुए लिखा है, क्या सीधी की आदिवासी छात्राएं आपकी सरकार से ये उम्मीद रख सकती हैं कि इस घटना की निष्पक्ष एवं त्वरित जांच होगी। तो आखिरकार ये पोस्ट आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जीतू पटवारी ने किया है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने, और कहा है कि क्या सरकार से ये उम्मीद रख सकती हैं, उन्हें प्राथमिकता से न्याय मिलेगा। सवाल ये भी है मध्य प्रदेश में ही आदिवासी सबसे ज्यादा उत्पीड़न के शिकार क्यों है, क्यों आपकी सरकार आदिवासियों के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने में बार बार असफल हो रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी सीधी की घटना की CBI जांच की मांग करते हुए कहा सीधी घटना की CBI जांच होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के निर्देश पर विधायकों का एक दल सीधी जाएगा, कांग्रेस के आदिवासी नेता पीड़ितों और परिवार से मुलाकात करेंगे। पहले पेशाब कांड हुआ, सरकार ने पूरी जांच नहीं कराई, और रही बात अब ये दूसरा कांड है सीधी में, तो ये मेरे को लगता है कि मध्य प्रदेश दलित और आदिवासियों पे जिस प्रकार से घटनाएं बढ़ रही है, और इसके गृह विभाग के मुख्यमंत्री खुद है, तो मुख्यमंत्री जी को खुद को अपना वक्तव्य देना चाहिए और इस पर जांच कराना चाहिए, CBI जांच कराना चाहिए कि इस प्रकार से घटनाएं दोबारा ना हो प्रदेश में। तो अब कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है, नेता प्रतिपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं, और साथ ही जीतू पटवारी का पोस्ट भी हमने आपको दिखाया था। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, लड़कियों को न्याय मिलना चाहिए ये आवाज हर तरफ से उठ रही है, लेकिन अब हम देख रहे हैं जिस तरह से कांग्रेस ने अटैकिंग मोड अपना लिया है इस पूरे मामले को लेकर, कि अब इस पर जल्दी सियासी वार पलटवार का दौर भी तेज होने जा रहा है। बिल्कुल अपर्णा, ठीक कहा आपने, जैसे घटनाक्रम सामने आया उसके बाद कांग्रेस जो इस पूरे मामले को लेकर हमलावर हो गई, और जिस तरीके से PCC चीफ जीतू पटवारी ने जहां सोशल मीडिया पर X पर लिखकर कहीं ना कहीं सरकार को चेताने का प्रयास किया कि आखिर सरकार आखिर इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, दलित और आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, उसको लेकर आखिर सरकार मौन क्यों है, क्या सीधी की बच्चियाँ इस बात की उम्मीद सरकार से करें कि उनको न्याय मिलेगा। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष जो एक बड़े आदिवासी नेता हैं उमंग सिंघार, उन्होंने कहा कि पहले सीधी में पेशाब कांड होता है,
है और उसके बाद अब साथ साथ आदिवासी बच्चियों के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता है। उन्होंने कहा, सीधे तौर पर यह कहा है कि इस पूरे मामले की CBI से जो है वो जाँच कराई जानी चाहिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस विधायकों का 3 सदस्यीय दल जो है वो भी सीधी जाएगा, पीड़ित बच्चियों से मिलेगा और रिपोर्ट तैयार करेगा, जो कांग्रेस के जो तमाम जो नेता हैं, खासकर नेता प्रतिपक्ष को वो रिपोर्ट सौंपेगा। लेकिन इन सबके बीच मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने इस मामले पर तत्काल संज्ञान लिया। उन्हें मालूम था कि ये मामला बड़ा है और इस पर सियासत भी जोर पकड़ेगी। यही कारण है कि रीवा IG की तरफ से एक पत्र जारी किया गया और 9 सदस्यीय एक SIT का गठन कर दिया गया है। एक महिला DSP जो है इस पूरी SIT की अगुवाई करेंगी। 7 दिन में पूरे मामले की जाँच होगी और जाँच रिपोर्ट जो है वो सौंपेंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद सोशल मीडिया पोस्ट X पर लिखा कि जो भी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, इस मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी। अब तक की जो जानकारी है उसके अनुसार 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब से कुछ देर बाद रीवा के IG बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि आखिर इन 4 युवकों की भूमिका किस तरीके से रही है। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो घटना है वो बेहद जघन्य अपराध से कहा सकता है। जिस तरीके से आदिवासी बच्चियां हैं जो स्कूल में पढ़ती हैं, उनको छात्रवृत्ति के नाम पर उनको बुलाया जाता है, फिर उनके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता है। अपर्णा, अभी ये प्रारंभिक चीज़ें निकल कर आई, उसमें 7 बच्चियों का के नाम सामने आए हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में जब इन बच्चियों के बयान हों या आरोपियों से पूछताछ हो तो इस तरह की बच्चियों के और भी लोगों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले भी सामने आ सकते हैं। जी, जिस तरह से यहाँ पर लड़कियों को टारगेट किया गया, शैलेंद्र जो तरीका इन लोगों ने अपनाया था, उसको लेकर क्या कहना है पुलिस टीम का या जांच अधिकारियों का? क्या लड़कियों को चुनकर टारगेट किया गया है? क्या इनकी नियत रही शुरुआत से ही? किस तरह से ये आगे भी अपने इन मंसूबों को अंजाम देने के बारे में योजना बना रहे थे? कौन कौन शामिल था इसको लेकर? देखिए, अभी इसकी पूरी विस्तृत जानकारी अब से कुछ देर बाद जब रीवा IG प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसके बारे में देंगे। लेकिन अभी प्रारंभिक जो जानकारी लगी है वो साफ तौर पर ये है कि एक वॉइस ऐप के जरिए जो है ये बच्चियों को फ़ोन करते थे और छात्रवृत्ति एंड स्कॉलरशिप के नाम पर उनको बुलाया जाता था, एक संबंधित स्थान बताया जाता था, वहाँ पर बुलाया जाता था और उसके बाद जब बच्चियाँ वहाँ पहुँचती थी तो फिर से इनके पास एक कॉल आता था और इनको बताया जाता था कि एक बाइक सवार युवक है, आप उसके साथ जो बताया हुआ स्थान है वहाँ पर पहुँच सकती हैं। और जब वहाँ पर जाती थी वहाँ पर हम आगे भी आपसे इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं MP में 23 जिलों में मिड डे मील में बड़ा गोलमाल हुआ है। छुट्टियों के दौरान भी स्कूलों में मिड डे मील बंट रहा है। 1 मई से 15 जून तक स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां हैं। पोर्टल पर अपलोडेड डेटा से गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण संस्था ने संज्ञान लिया। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आती है संस्था। जिलों के CEO को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। तो स्कूल बंद था, बच्चे एक छुट्टियां मना रहे थे अपने घरों में और बट रहा था मिड डे मील। ये देख लीजिए, जब गोलमाल करने वाले घोटाला करने की नियत बनाते हैं तो फिर वो किस किस स्तर पर कहां कहां घोटाला नहीं करते हैं। स्कूल बंद पड़ा है, गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हैं, स्कूल में कोई नहीं है, लेकिन तब भी बट रहा है मिड डे मील। कैसे ये पूरा गोलमाल हुआ है, कैसे घोटाला हुआ, जल्दी साफ हो जाएगा। स्कूलों की छुट्टियों की बात करें तो 1 मई से 15 जून तक स्कूलों में छुट्टियां हैं गर्मियों की, और 23 जिलों में मिड डे मील में ये बड़ा गोलमाल चल रहा था। तो PM पोषण शक्ति निर्माण संस्था ने संज्ञान लिया है। जिलों के CEO को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। MP में ये मिड डे मील में किस तरह से गोलमाल 23 जिलों के अंदर चल रहा था वो आपको बता रहे हैं। गर्मियों की छुट्टी में भी बट रहा था खाना, सामने आया है ये। पोर्टल पर अपलोडेड डेटा से इस गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण संस्था ने इसका संज्ञान लिया है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आती है संस्था। जिलों के CEO को कार्रवाई करने के लिए एक्शन लेने के लिए पत्र लिखा गया। वासु चौरे हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। वासु, स्कूल बंद थे, छुट्टियां गर्मियों की पड़ी हुई है और तब भी बट रहा था मिड डे मील।
एक के बाद एक मध्य प्रदेश में कई घोटाले जो हैं वो सामने आ रहे हैं और ये स्थिति जो है वो बेहद चिंताजनक है, क्योंकि जो ये सारी योजनाएं चलती हैं वो आम लोगों के खून पैसे की गाड़ी कमाई से जमा किए हुए टैक्स के पैसों के जरिए सरकार जो है इन योजनाओं का संचालन करती है। लेकिन जब स्कूलों की छुट्टी हो, जब बच्चे स्कूल पहुँच ही नहीं रहे हैं, तो फिर किसको पोषण आहार बांटा जा रहा है? ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा हो रहा है। और इसका जो पूरा मामला सामने आया है वो भी AMS के जरिए आया है, ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग जो सिस्टम है उसके जरिए ये पूरे मामले का खुलासा हुआ है। यानी कि जब बच्चे अपने घरों में, जब छुट्टी पर हैं, तब भी पोषण आहार जो है वो बांटा जा रहा है। और ऐसा एक दो जिलों में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में हुआ है। अब जो ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जो इस पूरे मामले को लेकर जो समिति काम करती है उसने इस मामले में संज्ञान लिया है, और इसके साथ ही एक लेटर है जो इन सभी जिलों के CEO को जारी किया गया है, और इस पूरे मामले में जाँच और कार्रवाई करने की बात कही गई है। बहरहाल देखना होगा कि कार्रवाई का क्या कुछ असर दिखाई देता है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर चूंकि PM पोषण आहार का ये मामला है तो केंद्र सरकार ने भी आपत्ति जताई है। और अब देखना होगा कि कितना बड़ा एक्शन इस पूरे मामले में देखने को मिलता है और इस घोटाले के तार कहां कहां जुड़े हुए दिखाई देते हैं। जी वास्तुचार्य, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब सामने आएगा कि घोटाले के तार कहां कहां जुड़े हुए थे। वही देवास से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां चलते ट्रक में सेंधमारी की गई। जी हां, चलते ट्रक से 3 मोटरसाइकिल सवार चोरी करते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं। वीडियो में चलते ट्रक के पीछे आप देख रहे हैं, एक मोटरसाइकिल चल रही है और 2 लोग ट्रक से नीचे उतर रहे। एक सफेद कमीज पहने हुए शख्स पहले उतरता है, उसके बाद नीली कमीज पहने हुए शख्स भी उतर कर बाइक पर आ जाता है। ये देखिए क्यों, अब वीडियो आपको एक बार फिर दिखाते हैं हम, जहां इस ट्रक में से सामान चुराकर पहले देखिए नीचे फेंका गया और अब ये 2 लोग इसमें से नीचे उतरते हैं और बाइक पर बैठ जाते हैं। पीछे से आ रही कार सवार ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। ये देखिए तीनों अब बाइक पर वापस सवार हो गए। ऐसे ही ये ट्रक पर चढ़े थे, वहां से सामान निकाला, उसे नीचे फेंका और उसके बाद वापस बाइक पर सवार हो गए। सामान क्या चुराया देखिए, मोटा पार्सल नीचे फेंका गया जो खुल गया था, उस सामान नीचे आके गिर भी गया उससे, और दोनों वापस बड़े ही स्मूथली अपनी बाइक पर वापस आकर बैठ जाते हैं। ट्रक चालक को शायद एहसास होता है या नहीं होता है कि उसकी गाड़ी से कुछ चुराया गया है, लेकिन पीछे से आ रही कार में जो लोग सवार थे उन्होंने ये पूरा घटनाक्रम अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। कितना जानलेवा हो सकता है ये, आप ये खुद ही देखकर समझ सकते हैं। वहीं ग्वालियर